अगर हम नॉर्थ फेसिंग प्रमाइसिस की बात करते हैं और उसमें हम बोर्ड या फिर होर्डिंग्स को प्लान कर रहे हैं और हमने रेड और येलो का कॉम्बिनेशन साथ में ले लिया है, तो इससे अपॉर्चुनिटीज़ प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इससे रिलेशनशिप विद दी कस्टमर्स इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। अगर हम ईस्ट की बात करते हैं, ईस्ट में हमने ब्लैक और येलो का कॉम्बिनेशन अगर ले लिया है, तो इस केस में हमारे जो कनेक्शंस हैं, जो सोशल कनेक्शंस हैं, जो सोशल सर्कल है, वो कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। जो कनेक्शन है हमारी सोसाइटी के साथ, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमारा जो लास्ट आउटकम है जिसके लिए हम काम करते हैं, प्रॉफिट हैं, गेंस हैं, ये सब डिस्टर्ब हो जाता है। अगर हम साउथ फेसिंग की बात करते हैं और उसमें हमने कॉम्बिनेशन ब्लैक और ब्लू का ले लिया है, ब्लैक और ब्लू कम्प्लीटली अवॉइडेबल हैं अगर हम साउथ फेसिंग की बात करते हैं, और ये दोनों कॉम्बिनेशन का भी कोई मैच नहीं है। अगर ऐसे कॉम्बिनेशंस हम साउथ फेसिंग प्रमाइसिस में लेते हैं, तो इससे हमारे जो गेंस हैं, जो लास्ट आउटकम है, उस पर भी इफेक्ट होता है। हमारा जो फेम है, जो हमारा नेम एंड फेम है सोसाइटी में, उस पर भी कम्प्लीटली इफेक्ट आता है। तो ये कॉम्बिनेशंस को हमें हमेशा अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ ही अगर साउथ वेस्ट या साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन के फेसिंग प्रमाइसिस की हम बात करते हैं, इसमें रेड कलर अगर आता है या ग्रीन कलर आता है, तो हमारे कनेक्शन सोसाइटी से ख़त्म हो जाते हैं और जो रिलेशनशिप है, जो स्टेबिलिटी आनी चाहिए कस्टमर्स के साथ, उनके रिलेशनशिप्स के साथ, वो भी कम्प्लीटली अवॉइड करनी चाहिए, वो भी हमें नहीं लेना, क्योंकि इससे ये दोनों ही चीज़ें हाईली डिस्टर्ब हो जाती हैं। जब भी हम कुछ नया शुरू करते हैं, कोई भी नया प्रोडक्ट या फिर कोई भी नई शॉप ऑफिस, तो हम एक बोर्ड प्लान करते हैं, कोई भी होर्डिंग्स प्लान करते हैं या फिर बैनर बनवाते हैं उसका एडवर्टीजमेंट करने के लिए, उसको इंडिकेशन देने के लिए कस्टमर्स को कि शॉप इधर है या फिर ये प्रोडक्ट नया है, तो उसके लिए हम होर्डिंग्स, बोर्ड्स, बैनर्स का प्रिपरेशन करते हैं। तभी हम ऐसा करते हैं तो हम बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशंस का इस्तेमाल करते हैं उस बोर्ड में, नेम में या फिर उसके पिक्चर्स में या फिर उसके बैकग्राउंड कलर में। ऐसे में हम कुछ कलर कॉम्बिनेशंस ऐसे इस्तेमाल करते हैं जो कम्प्लीटली हमें अवॉइड करने चाहिए, एंड कुछ कलर कॉम्बिनेशंस ऐसे भी होते हैं जो बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, जो बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन में आते हैं। तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही कॉम्बिनेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमें अवॉइड करने चाहिए और जो हम ऑप्ट भी कर सकते हैं अच्छे रिजल्ट्स के लिए या फिर कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। सो इसमें से फेसिंग के हिसाब से हम इसमें डिस्कशन शुरू करते हैं। फर्स्ट इज ईस्ट फेसिंग। अगर हम ईस्ट फेसिंग कोई भी शॉप है या फिर कोई भी हमें होर्डिंग प्लान करनी है या बैनर प्लान करना है या बोर्ड प्लान करना है किसी शॉप का या ऑफिस का, तो उसमें हम क्या कॉम्बिनेशंस बेस्ट ले सकते हैं। अगर ईस्ट फेसिंग की बात करते हैं, तो ईस्ट फेसिंग का जो बेस्ट कलर होता है वो है ग्रीन। ग्रीन कलर में हम ग्रीन के साथ रेड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम ग्रीन के साथ ब्लू को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर इसमें हमें ध्यान रखना है ब्लू और रेड दोनों को एक साथ हम इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ब्लू एंड रेड का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है। ब्लू एंड रेड कलर को हम दोनों को साथ में इस्तेमाल इस होर्डिंग में नहीं कर सकते जो कि ईस्ट फेसिंग है। उसके साथ ही हमें येलो कलर ईस्ट फेसिंग प्रमाइसिस के बोर्ड में हमेशा अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ ही हमें ब्लैक कलर के होर्डिंग को भी कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए ईस्ट फेसिंग अगर प्रमाइसिस है तो। येलो कलर और ब्लैक कलर दोनों के कॉम्बिनेशन को भी हमेशा अवॉइड करना चाहिए। तो इसमें येलो कलर और ब्लैक कलर को हमें यूज़ ही नहीं करना है अगर हम ईस्ट फेसिंग प्रमाइसिस के बोर्ड या होर्डिंग्स की बात करते हैं। और अगर हम कॉम्बिनेशन में कलर्स को लेते हैं, तो रेड एंड ग्रीन बहुत अच्छा है, देन ग्रीन एंड ब्लू ये भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। बाकी कलर्स को हमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए नेम्स में या फिर कोई भी हम इमेजेस उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर कोई भी बैकग्राउंड कलर ले रहे हैं ईस्ट फेसिंग होर्डिंग्स के लिए। इसी के साथ ही अगर हम साउथ फेसिंग प्रमाइसिस की बात करते हैं, कोई भी साउथ फेसिंग शॉप है, स्ट्रक्चर है कोई भी, उसमें हमें बोर्ड्स को इस्तेमाल करना है, होर्डिंग्स को या बैनर हम प्लान कर रहे हैं, उसमें हमें रेड कलर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि साउथ फेसिंग प्रमाइसिस है, साउथ में जो मेन कलर होता है वो है रेड या फिर कोई भी रेड कलर फैमिली, सिर्फ रेड या ऑरेंज, पिंक, पीच, ये कलर्स। इसके साथ ही अगर हम रेड कलर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका कॉम्बिनेशन हम ग्रीन कलर के साथ ले सकते हैं, उसका कॉम्बिनेशन हम येलो कलर के साथ भी ले सकते हैं, ये कॉम्बिनेशंस भी बहुत अच्छे हैं। अब इसमें कौन से कलर्स हमें अवॉइड करने चाहिए, वो है ब्लैक कलर, वो है ब्लू कलर। ब्लैक एंड ब्लू का कोई भी कॉम्बिनेशन हमें साउथ फेसिंग प्रमाइसिस के बोर्ड्स में या फिर होर्डिंग्स में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही पूरा ब्लू कलर या फिर पूरा ब्लैक कलर का होर्डिंग भी कम्प्लीटली अवॉइडेबल है, हमें ऑप्ट नहीं करना चाहिए अगर हम साउथ फेसिंग प्रमाइसिस की बात करते हैं। इसके साथ अगर हम साउथ वेस्ट फेसिंग की बात करते हैं या फिर कोई अर्थ एलिमेंट जैसे कि साउथ वेस्ट फेसिंग हो गया या फिर साउथ साउथ वेस्ट फेसिंग हो गया या फिर नॉर्थ वेस्ट फेसिंग हो गया, इन तीन डायरेक्शंस की अगर हम स्पेसिफिक बात करते हैं, तो इसमें इस केस में हमें रेड कॉम्बिनेशंस को
हमेशा अवॉइड करना चाहिए। रेड और ग्रीन के कॉम्बिनेशंस को हमेशा ही अवॉइड करना चाहिए। कोई भी रेड कलर फैमिली, कोई भी ग्रीन कलर फैमिली साउथ वेस्ट या फिर साउथ साउथ वेस्ट या फिर नॉर्थ वेस्ट के फेसिंग प्रमाइसिस में यूज़ नहीं करना है। इसके साथ हम येलो कलर उसमें ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लैक कलर उसमें ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ब्लू भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। साथ में हम ब्लैक एंड येलो ले सकते हैं या फिर कम्प्लीटली येलो फैमिली को भी ले सकते हैं, लाइट येलो और एनी शेड ऑफ येलो हम ले सकते हैं। अगर हम वेस्ट फेसिंग की बात करते हैं, वेस्ट फेसिंग प्रमाइसिस की, इसमें जो बेस्ट कलर होता है वो है ब्लैक या फिर वाइट या फिर सिल्वर या फिर कोई भी ऐसे शिमरिंग कलर्स होते हैं, ग्लिटरिंग कलर्स होते हैं जो शाइन करते हैं, हम वो कलर्स का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। अब इसमें जो कॉम्बिनेशन हमें अवॉइड करने हैं वो है रेड एंड ग्रीन। रेड और ग्रीन कॉम्बिनेशन इसमें भी कम्प्लीटली हमें अवॉइड करना चाहिए अगर हम प्लान कर रहे हैं कोई भी होर्डिंग्स जो कि रेड कलर में है या ग्रीन कलर में है और वेस्ट फेसिंग है। इसमें जो कॉम्बिनेशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो है ब्लैक और ब्लू का कॉम्बिनेशन या फिर येलो एंड ब्लू का भी कॉम्बिनेशन हम इसमें कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा येलो भी हम ले सकते हैं इसमें। अब इसके बाद हम बात करते हैं नॉर्थ फेसिंग प्रमाइसिस की। अगर हम नॉर्थ फेसिंग प्रमाइसिस में कोई भी होर्डिंग कलर या फिर बोर्ड्स प्लान कर रहे हैं तो इसमें हमें ब्लू कलर को ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए या फिर हम इसमें ब्लैक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वाइट, ग्रे और कोई भी शिमरिंग कलर्स को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस केस में हम ग्रीन भी ले सकते हैं, ब्लू एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन भी हम ऑप्ट कर सकते हैं अगर हम नॉर्थ फेसिंग प्रमाइसिस की बात करते हैं। इसके साथ हम ब्लैक और ब्लू का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं, ब्लू एंड ग्रे, ब्लैक एंड ग्रे, इसका कॉम्बिनेशन भी हम ले सकते हैं, मगर हम ग्रीन और ब्लैक को साथ में इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते बिकॉज ये दोनों ही कलर्स साथ में एंटी हैं। तो इसी वजह से हमें ब्लैक और ग्रीन को कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए अगर हम नॉर्थ फेसिंग प्रमाइसिस की बात करते हैं। सो ये सब कॉम्बिनेशंस हमें ध्यान में रखने चाहिए अगर हम कोई भी बोर्ड प्लान कर रहे हैं, बैनर्स या फिर कोई भी होर्डिंग्स प्लान कर रहे हैं, उनके कलर कॉम्बिनेशंस हमें डिसाइड करने हैं। तो इस तरह के कॉम्बिनेशंस को हम अगर अवॉइड करेंगे तो हम ज़्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट कर सकते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, अच्छे रिलेशनशिप्स को डेवलप कर सकते हैं उनके साथ। और अगर वेस्ट की बात करते हैं और वेस्ट में रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन अगर आता है तो ये कॉम्बिनेशन भी बहुत वर्स्ट है। इससे फिर से हमारे जो प्रॉफिट्स हैं, जो गेन्स हैं, जो लास्ट आउटकम है या फिर हम कह सकते हैं जो हम सेविंग्स हैं, वो सब इफ़ेक्टेड होती हैं। और अगर ग्रीन कलर वहाँ आता है तो सोशल डिस्टर्ब होता है। तो ये कॉम्बिनेशंस का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए अगर हम कोई भी बैनर या होर्डिंग्स को प्लान करते हैं अपने शॉप के लिए या फिर ऑफिस के लिए या कोई भी प्रमाइसिस के लिए। ये सब कुछ गुड कॉम्बिनेशंस भी हैं कलर्स के और कुछ बैड कॉम्बिनेशंस भी हैं। ऑप्ट फॉर द गुड कॉम्बिनेशंस, हमें ऑप्ट करना चाहिए अच्छे कॉम्बिनेशंस के लिए, और बैड कॉम्बिनेशंस के लिए हमें हमेशा अवॉइड करना चाहिए।